हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आरसीएम बिजनेस के साथ साथ मैं स्टडी भी कर रही हूँ, डेली पढ़ाई करती हूँ। ज़्यादा देर तक तो नहीं कर पाती हूँ, पर 2 से 3 घंटे डेली पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन शेयर किए जाएँ। और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा। तो ये अबू धाबी यूएई में करेगा। भारतीय वायुसेना किसके द्वारा आयोजित अभ्यास इनियोचास 23 में भागीदारी करेगी, तो ग्रीस में। हाल ही में मिगुएल डियास कैनेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए, तो क्यूबा देश है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है, दीपिका मिश्रा जी है और ये राजस्थान की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहां प्रारंभ की है, कर्नाटक राज्य में। 80 वर्ष प्लस और दिव्यांगों के लिए है। फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, कर्नाटक राज्य को। हाल ही में एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना को कहां प्रारंभ किया गया है, केरल में। और इसमें लागत है 1 करोड़ रुपए प्रति मैदान। यहां के सीएम पिनरई विजयन जी ने स्टार्ट किया है और ये तिरुवनंतपुरम शहर से स्टार्ट होगा। कैसा लगा आज का ये क्वेश्चन, आप ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। साथियों, धन्यवाद।